एक बहुत ही भयंकर असुरों का राजा था गजमुख। वह बहुत ही शक्तिशाली और धनवान बनना चाहता था। वह साथ ही सभी देवी देवताओं को अपने वश में करना चाहता था, इसलिए हमेशा भगवान शिव से वरदान के लिए तपस्या करता था। शिव जी से वरदान पाने के लिए वह अपना राज्य छोड़कर जंगल में जाकर रहने लगा और शिव जी से वरदान प्राप्त करने के लिए बिना पानी पिए भोजन खाए रात दिन तपस्या करने लगा। कुछ साल बीत गए। शिव जी उसके उपार तप को देखकर प्रभावित हो गए और शिव जी उसके सामने प्रकट हुए। शिव जी ने खुश होकर उसे दैविक शक्तियाँ प्रदान किया, जिससे वो बहुत शक्तिशाली बन गया। सबसे बड़ी ताकत जो शिव जी ने उसे प्रदान किया वो यह था कि उसे किसी भी शस्त्र से नहीं मारा जा सकता। असुर गजमुख को अपनी शक्तियों पर गर्व हो गया और वह अपने शक्तियों का दुरुपयोग करने लगा और देवी देवताओं पर आक्रमण करने लगा। मात्र शिव, विष्णु, ब्रह्मा और गणेश जी ही उसके आतंक से बचे हुए थे। गजमुख चाहता था कि हर देवता उसकी पूजा करे। यह सब देखकर शिव जी ने गणेश को असुर गजमुख को ये सब करने से रोकने के लिए भेजा। गणेश जी ने गजमुख के साथ युद्ध किया और असुर गजमुख को बुरी तरह से घायल कर दिया, लेकिन तब भी वह नहीं माना। उस राक्षस ने स्वयं को एक मूषक के रूप में बदल लिया और गणेश जी की ओर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। जैसे ही वह गणेश जी के पास पहुंचा, गणेश जी कूदकर उसके ऊपर बैठ गए और गणेश जी ने गजमुख को जीवन भर के मूस में बदल दिया और अपने वाहन के रूप में जीवन भर के लिए रख लिया। बाद में गजमुख भी अपने इस रूप से खुश हुआ और गणेश जी का प्रिय मित्र भी बन गया। दोस्तों, एक व्रत या त्यौहार के बारे में आपने सुना होगा, गणेश चतुर्थी। आइए जानते हैं कि इस व्रत की शुरुआत कब से कैसे हुई। एक बार की बात है, सभी देवता किसी कारण बहुत ही मुश्किल में थे। सभी देवगण शिव जी के शरण में अपनी मुश्किलों के हल के लिए पहुँचे। उस समय भगवान शिव जी के दोनों पुत्र वहाँ पर उनके साथ गणेश और कार्तिकेय भी वही बैठे थे। वहाँ वह दोनों भाई अपने सामने हुई बातों को ध्यान से सुन रहे थे। देवताओं की मुश्किल को देखकर शिव जी ने गणेश और कार्तिकेय से प्रश्न पूछा, तुम में से कौन देवताओं की मुश्किलों को हल करेगा और उनकी मदद करेगा? जब दोनों भाई मदद करने के लिए तैयार हो गए तो शिव जी ने उनके सामने एक प्रतियोगिता रखी। इस प्रतियोगिता के अनुसार दोनों भाइयों में जो भी सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेगा वही देवताओं की मुश्किल में मदद करेगा। जैसे ही शिव जी ने यह बात कही, कार्तिकेय अपनी सवारी मोड़ पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने चले गए, परंतु गणेश जी वही अपनी जगह पर खड़े रहे और सोचने लगे कि वह मूषक की मदद से पूरी पृथ्वी का चक्कर कैसे लगा सकते हैं। उसी समय उनके मन में एक उपाय आया और वे अपने पिता शिव जी और माता पार्वती के पास गए और उनकी 7 बार परिक्रमा करके वापस अपने जगह पर आके खड़े हो गए। कुछ समय बाद कार्तिकेय पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाकर वापस पहुँचे और स्वयं को विजेता कहने लगे। तभी शिव जी ने गणेश जी की ओर देखा और उनसे प्रश्न किया, क्यों गणेश, तुम क्यों पृथ्वी की परिक्रमा करने नहीं गए? तभी गणेश जी ने उत्तर दिया, माता पिता में ही तो पूरा संसार बसा है, चाहे मैं पृथ्वी की परिक्रमा करूं या अपने माता पिता की, बात तो एक ही है ना। यह सुनकर शिव जी बहुत खुश हुए और उन्होंने गणेश जी को सभी देवताओं के मुश्किलों को दूर करने की आज्ञा दी। साथ ही शिव जी ने गणेश जी को यह भी आशीर्वाद दिया कि कृष्ण पक्ष के चतुर्थी में जो भी व्यक्ति तुम्हारी पूजा और व्रत करेगा उसके सभी दुख दूर होंगे
और भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। तो दर्शकों, यह थी हमारी आज की गणेश जी की कहानियाँ। अगर आपको सुन के अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री गणेश। क्या आज तक आप लोगों ने प्रभु श्री गणेश के विवाह की कहानी सुनी थी? आप में से ज़्यादातर लोगों ने नहीं सुनी होगी, तो आइए शुरू करते हैं प्रभु श्री गणेश की ये दिलचस्प कहानी। भगवान गणेश जी की पूजा देवताओं में सबसे पहले की जाती थी, लेकिन बात उस समय की है जब उनका विवाह नहीं हो रहा था, क्योंकि कोई भी कन्या उनसे विवाह नहीं करना चाहती थी, क्योंकि एक तो गणेश जी का सिर हाथी का सिर था और उनकी एक दांत भी टूटी हुई थी, इसलिए कोई भी कन्या उनसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। विवाह ना हो पाने के कारण गणेश जी दुखी रहने लगे थे। जब गणेश जी अन्य देवी देवताओं के विवाह में जाते थे तो उन्हें अपने विवाह की याद आ जाती। दूसरे देवी देवताओं का विवाह होते देखकर गणेश जी इतने ज़्यादा दुखी हो गए थे कि उन्होंने दूसरे देवी देवताओं के विवाह में अड़चन लाना शुरू कर दिया था, और उनके इस काम में उनका वाहन मूषक उनकी मदद करता था। गणेश जी के आदेश पर उनका मूषक देवी देवताओं के विवाह में जाता और उनके मंडप को खराब कर देता था, जिससे विवाह में विघ्न आ जाता था। गणेश जी और मूषक के इन शैतानियों से सभी देवी देवता परेशान हो गए थे, इसलिए सभी ने महादेव यानी कि गणेश जी के पिता के पास उनकी शिकायत के लिए गए, लेकिन शिव जी के पास भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं था, इसलिए वह देवताओं की कोई मदद नहीं कर पाए। लेकिन भगवान शिव जी और माता पार्वती ने देवताओं को इतना कहा कि इस परेशानी का हल केवल ब्रह्मा जी ही निकाल सकते हैं। महादेव और माता पार्वती की बात सुनकर सारे देवी देवता ब्रह्मा जी के पास चले गए। इस समय ब्रह्मा जी योग निद्रा में लीन थे। ब्रह्मा जी को योग में देखकर देवी देवता उनसे प्रार्थना करने लगे, जिसके फल स्वरूप ब्रह्मा जी के योग से रिद्धि सिद्धि नाम की दो पुत्री प्रकट हुई। क्योंकि रिद्धि सिद्धि ब्रह्मा जी के योग से उत्पन्न हुई थी, इसलिए रिद्धि सिद्धि को ब्रह्मा जी का मानस पुत्री कहा जाता है। पुत्रियों को प्राप्त करने के बाद ब्रह्मा जी अपनी दोनों पुत्रियों रिद्धि और सिद्धि को लेकर गणेश जी के पास पहुँचे और गणेश जी को उन्हें शिक्षा देने के लिए कहने लगे, क्योंकि गणेश जी बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी थे। ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि को शिक्षा देने के लिए तैयार हो गए। रिद्धि सिद्धि की शिक्षा शुरू हो गई थी। इस बीच जब भी उनका बदमाश मूषक किसी देवी देवता के विवाह में अड़चन डालने के लिए गणेश जी को उनके विवाह के बारे में बताने के लिए आता, तो रिद्धि सिद्धि स्वांग रचकर हमेशा मूषक को भगा देती थी, जिससे देवी देवताओं का विवाह बिना किसी विघ्न के पूरा हो जाता था। ऐसे करते करते काफ़ी समय बीत गया। एक दिन गणेश जी को पता चल गया कि रिद्धि सिद्धि के कारण ही देवी देवताओं का विवाह बिना किसी अड़चन के पूरा हो रहा है। इस बात का पता लग जाने पर गणेश जी काफ़ी ज़्यादा क्रोधित होते हैं, लेकिन गणेश जी क्रोध कर पाते इससे पहले ही ब्रह्मा जी वहाँ प्रकट हो जाते हैं और गणेश जी से कहते हैं कि गणेश जी, मेरे दोनों पुत्री रिद्धि सिद्धि के लिए मुझे कोई योग्य वर नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप ही मेरी दोनों पुत्री से विवाह कर लें। ब्रह्मा जी के कहने पर गणेश जी रिद्धि सिद्धि से विवाह करने के लिए मान जाते हैं और उनका बड़े ही धूमधाम से विवाह होता है। ऐसी माना जाता है कि गणेश जी की रिद्धि सिद्धि से दो पुत्री हुए, जिनका नाम शुभ और लाभ है। तो दर्शकों, क्या आप लोगों ने ये कहानी पहले सुनी थी? हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताना, और कमेंट सेक्शन में जय श्री गणेशा लिखना ना भूलें। कहानी पूरी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री गणेशा।
हिंदू धर्म के अनुसार किसी भी कार्य के शुभ आरंभ में सबसे पहले भगवान श्री गणेश की ही पूजा अनिवार्य है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री गणेश का वास्तविक सिर कहाँ है? शिव पुराण कथा के अनुसार भगवान श्री गणेश का जन्म माता पार्वती के शरीर के मैल से माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार माता पार्वती ने अपने शरीर के मैल से एक पिंड बनाकर उसमें आत्मा का प्रवेश करवाया, जिसके बाद वह पिंड सजीव हो उठा और यह पिंड सजीव बालक के रूप में सामने आया। शिव पुराण के अनुसार माता पार्वती स्नान करने के लिए जब गुफा के अंदर जा रही थी तो उन्होंने इस नन्हे बालक को आदेश दिया कि गुफा के अंदर किसी को भी प्रवेश ना किया जाए। माता पार्वती के गुफा के भीतर जाते ही भगवान शिव वहां पहुंच जाते हैं। माँ की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने भगवान शिव को भी गुफा के अंदर प्रवेश करने से रोक दिया, जिस पर भगवान शिव क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपने त्रिशूल से भगवान श्री गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। सिर कटते ही माता पार्वती की चीख पुकार और विलाप से पूरी सृष्टि कंपायमान हो उठी। हर तरफ त्राही त्राही मच गई, जिसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए एक नन्हे हाथी का सिर भगवान गणेश के धर से जोड़ दिया। तभी से भगवान श्री गणेश का सिर हाथी और धर बालक का बना है और इसी स्वरूप में हम भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करते हैं। क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि भगवान श्री गणेश का सिर कटने के बाद आखिर कहाँ गया? भगवान श्री गणेश का सिर कटने के बाद एक गुफा में रखा गया। मान्यता है कि भगवान शिव ने गणेश जी के सिर को सुरक्षित एक गुफा में रख दिया था, जिसे पाताल भुवनेश्वर गुफा के नाम से जाना जाता है। इस गुफा में भगवान श्री गणेश की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। भगवान श्री गणेश जी की गुफा की खोज आदि शंकराचार्य ने की थी। उत्तर प्रदेश के अलग होकर बने नए राज्य उत्तराखंड की एक गुफा को ही पाताल भुवनेश्वर गुफा के नाम से जाना जाता है। इस गुफा में भगवान श्री गणेश की वास्तविक प्रतिमा स्थापित है। मान्यता है कि भगवान शिव ने श्री गणेश जी का सिर काटने के बाद इसी गुफा में स्थापित किया था। यह गुफा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के गंगोलीहाट से 14 किलोमीटर दूर स्थित है। मान्यता है कि इस गुफा के भीतर स्थापित भगवान श्री गणेश के वास्तविक सिर की रक्षा स्वयं त्रिकालदर्शी भगवान शिव करते हैं। क्या आप लोगों ने इस जगह के बारे में कभी सुना है? क्या आप कभी इस जगह की दर्शन करना चाहेंगे? इस बारे में अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय श्री गणेश।